नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक एंड मोटर्स की आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर, के सेफ्टी को फॉलो करना और सेफ्टी की तरफ ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम पर्सनल नॉर्म्स की बात करेंगे, हम किसी गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए नॉर्म्स की बात नहीं करेंगे। आपको पर्सनली सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए मैं बता दूं कि यही मेरी विक्टर है और इसके साथ मेरा हो चुका है आज एक्सीडेंट नहीं था, छोटा सा एक्सीडेंट था, बहुत बड़ा नहीं था। पहली बात मैं आपको बता दूं कि गगन भाई आए थे आगरा, तो मैं उनसे मिला था और उन्होंने ये दिया था मेरे को कार्टेसी ड्राइव सेफ समवन लव्स यू फोर्ड, और फोर्ड फ्री स्टाइल के साथ वो आए हुए थे। मैंने ये लगाया भी, हालांकि मैं सेफली ही ड्राइव करता हूं और सेफली ड्राइव करता हूं, उसी के कारण मैं आपको समझाऊंगा कि मेरे को क्या क्या फ़ायदे हुए आज के एक्सीडेंट में। एक्चुअली दोस्तों, आज मैं आ रहा था कहीं से और उसके बाद मैं पूरा रोड पर होकर आया, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि प्रॉपर मैं फोकस्ड था रोड पर, ध्यान से गाड़ी चला रहा था और ध्यान से ही गाड़ी चलाता हूँ मैं हमेशा। लेकिन जब मैं अपने घर के पास आ गया, बहुत पास पास मतलब लगभग इतना कि घर वहाँ से 100 मीटर के करीब रह गया था, गाड़ी की स्पीड मैंने कोई ज़्यादा नहीं रखी थी, लगभग 30-35 की स्पीड थी, लेकिन जब मैं उन रोड से फैमिलियर था उस वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं दूसरे ख्यालों में खो गया, कुछ और सोचने लग गया, मतलब गाड़ी चलाते चलाते। ये मेरी एक गलती थी, माइनस पॉइंट था और ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, और कंक्रीट की रोड थी वो, लेकिन मैंने हेलमेट लगाया हुआ था और हालांकि ये खुलता है लेकिन पूरा मैंने लगाया हुआ था इस तरीके से इसे। और उसके बाद जो हुआ वो एकदम अलग था। मेरे सामने से आ रही थी एक गाड़ी और एक साइकिल, जिसके बाद मैं लगातार चले जा रहा था सेम स्पीड पर, मेरा ध्यान नहीं गया क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था, और लगभग 20 फीट की दूरी पर मेरा ध्यान गया अचानक कि सामने मेरे गाड़ियां हैं, एक साइकिल है एक बाइक है, और मैंने अचानक से ब्रेक लगाई तो ब्रेक में प्रॉब्लम ये हुई कि जब कंक्रीट पर गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगी, सडन ब्रेकिंग हुई, तो गाड़ी फिसल गई और जाकर साइकिल में टकराई। लकीली साइकिल वाला उतर गया था, साइकिल से अलग हट गया, केवल मेरी गाड़ी साइकिल में जाकर लगी। कुछ चोटें मेरे को आईं और वाइज़र टूट गया, गाड़ी का मास्क टूट गया यहाँ से इसका टुकड़ा, और जिस तरफ मैंने ये टैग चिपकाया था ये बच गया बस। और इसी के साथ साथ बाकी गाड़ी में कुछ बहुत ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल कर ली थी, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी मेरी, और यहाँ पर जो लेग गार्ड है वो पूरी तरीके से मुड़ गया है और यहाँ थोड़ा सा स्क्रैचेस आ गए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। ये खुल चुका था मेरा यूटिलिटी बॉक्स और मेरे कुछ चोट आई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट झेला वो झेला मेरे हेलमेट ने, यहाँ से टकराया। ये स्क्रैचेस आपको दिख रहे होंगे और शायद मेरे चेहरे पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक निशान है, हेलमेट के अंदर मेरे को इम्पैक्ट हुआ इतनी तेज़ी से, साइकिल का शायद हत्ता लगा था या क्या लगा था मेरे को नहीं पता है, लेकिन इतनी तेज़ी से लगा था कि हेलमेट के अंदर भी इम्पैक्ट पहुँच गया। अगर मैंने हेलमेट नहीं लगाया होता तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा डैमेज होता इस टाइम इस कंडीशन में, इसलिए सेफ्टी के साथ चलिए। और मेरा जो एकदम ध्यान डिस्टर्ब हो गया था, ध्यान नहीं रहा था मेरे को, रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने, तो ये मेरी एक गलती थी। तो आप कभी भी ऐसा ना करें, जब तक आप गाड़ी चला रहे हैं कोई भी गाड़ी हो हमेशा रोड पर ध्यान रखें, गाड़ी ही नहीं साइकिल भी हो तब भी रोड पर ध्यान रखें, और पैदल भी चलें तब भी रोड पर ध्यान रखें, ऐसा ना करें। बात आती है रिमोरा टायर्स की गाड़ी के की, तो मेरे को आज कहीं ना कहीं फील हुआ कि मेरे को, अपना पर्सनल व्यू मैं दूंगा कि मेरे को फील हुआ अगर रिमोरा टायर्स की जगह कोई और टायर होता मेरे पास तो इतनी ज़्यादा स्किटिंग टायर नहीं करता इतनी कम स्पीड पर। हालांकि रोड कंडीशंस भी कुछ ऐसी थी, कंक्रीट की थी तो बहुत ज़्यादा चिकनी हो चुकी थी वो चल चल के। तो बस इतना सा लेसन मैं देना चाह रहा था अपने डैमेजेस से। कुछ आप चोटें देख सकते हैं, थोड़ी बहुत चोटें यहाँ पर आई हैं, पैर में भी चोट लगी है, और बस इतनी वीडियो थी आज की। तो हमेशा सेफली ड्राइव कीजिए, हेलमेट ज़रूर पहनिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेलमेट पहनिए। लोग गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं क्योंकि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए गाड़ी जब भी डिसबैलेंस होती है फोर व्हीलर भी, तो आपको सीट बेल्ट से एक फ़ायदा ये होता है,
भले ही इम्पैक्ट आगे ना जाए, आप आगे ना लगो, लेकिन जब गाड़ी डिसबैलेंस्ड होती है तो जो सीट बेल्ट है वो आपको हमेशा जकड़े रखती है और आप अपनी पोजीशन पर बने रहते हो। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और गाड़ी डिसबैलेंस हुई, इधर उधर हुई, तो आप भी अपनी पोजीशन पर नहीं रहोगे, और जब आप अपनी पोजीशन पर नहीं रहोगे तो आप गाड़ी को कंट्रोल कैसे करोगे? ना आपके पास ब्रेक पर पैर रखने के लिए टाइम मिलेगा आपको, ना ही क्लच पर पैर रखने के लिए, ना ही स्टीयरिंग पकड़ने के लिए। तो हमेशा वहाँ भी सीट बेल्ट लगाएं, यहाँ भी हेलमेट पहने, ध्यान रोड पर रखें। मेरी ये गलती थी, मैंने ध्यान रोड पर नहीं रखा, मैं कुछ और सोच रहा था। और इसी के साथ बस इतने ही सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में बात करनी थी मेरे को, पर्सनल सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं आए थे, और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट जरूर लगाइए, हेलमेट ज़रूर पहनिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए प्रॉपर, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए टेक एंड मोटर्स को, ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाते रहने के लिए। साथ में बेल आइकन को दबाइए। आपके जो भी सवाल सुझाव हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हर संडे को कमेंट वाला सेशन में उनके जवाब देता हूँ। तो बस नमस्कार, धन्यवाद, सेफ ज़रूर चलें।